जय श्री बाबा जी की जय। जयकारा पड़ा हरि बाबा जी दा। बहुत अच्छे से बोला। जय श्री बाबा जी की जय। जय श्री पूर्ण हरि जी की जय। जय माता। जयकार सुंदर गुफा वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जय। आरती के कुम ओके बेटा तुम नहीं यह बाबा यह जैसे जैसे बाबा जी की जी है यह सतगुरु को बाबा जी
जय सीता जी। हाँ जी जय सीता। जय श्री बाबा जी की दया से। जय श्री बाबा जी की। जयकारा सुंदर गुफा निवासी बाबा जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे भूमि वाले बाबा जी आपकी सदा ही जय। जी सभी बोलो जी जय श्री बाबा जी की। हां जी सिट डाउन विराजी जय श्री। जयकारा धोने वाले बाबा जी का बोल सच्चे दरबार की जय।
जी काम आगे आ जाइए जी। जयकारा गुफा के वासी जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ये ऊंचिया पहाड़ा वाले बाबा जी आपकी सदा ही जय। जी सभी बड़े प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा जी की जय। श्री बाबा जी की जय। श्री बाबा विघ्न हरण मंगल करण गणपति जी महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरण करियो काज, मेरे पूरण करियो काज। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जयकारा। सुंदर गुफा वाले बाबा जी का जी सभी बड़े प्रेम से बोलो जी। गजानंद महाराज जी आज मोरी नैया पार लगा देना। गजानंद महाराज आज मोरी नैया पार लगा Yeah.
सुंदर गुफा निवासी बाबा जी आपकी जिसे भी बोल जे जोगी जियारती तेरी गांदे ने जे हो सचिया सरकारा दी जोगी जियारती तेरी श्री कौन हरि जी जोगी जिया Yeah.
बाबा जी का जी सब बड़े प्रेम से बोलो जी। जयकारा रोटा वाले बाबा जी का जी सब बड़े प्रेम से बोलो जी। लायो बाबा जी मेरा बहुत गरीब था, बाबा जी मेरा बहुत गरीब था।
कर्ण वाले बाबा जी का जी सभी बड़ी प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा जी की जी। जयकारा सुनहरी जटा वाले बाबा जी का बोलिए साचे दरबार की जी सभी बोलो जी। कितना प्यारा जोगी है और कितनी प्यारी जटाएं, कितनी प्यारी जटाएं हैं, देख के हो जाए प्यार। तेरा सच्चा है दरबार बाबा जी, सच्चा है दरबार तेरा, सच्चा है दरबार बाबा जी, सच्चा है दरबार तेरा, सच्चा है दरबार बाबा जी, सच्चा है दरबार तेरा, सच्चा है दरबार बाबा जी, कितना प्यारा जोगी जी है और कितनी प्यारी जटाएं, देख के हो जाए प्यार।
दरबार बाबा जी सच्चा है दरबार तेरा सच्चा है दरबार बाबा जी सच्चा है दरबार तेरा सच्चा है दरबार बाबा जी सच्चा है दरबार तेरा सच्चा है दरबार बाबा जी सच्चा है दरबार तेरी नजर झुके तो शाम ढले
तेरे दरियाऊंगा जोली भर लाऊंगा तेरे दर तुम्हारी मुझे
मेरी अखियों के सामने ही रहना बाबा जी मेरे पोणाहारी जी। मेरी अखियों के सामने ही रहना बाबा जी मेरे पोणाहारी जी। मेरी अखियों के सामने ही रहना बाबा जी मेरे पोणाहारी जी। मेरी अखियों के बाबा जी। ओ गोपा बाबा
भगत जी को कभी बाबा जी सबर आए तेरे भगत को कभी बाबा जी वाले बाबा जी का ये मेरे साथ लाइया वाले बाबा जी आपकी जयकारा सिद्ध राजा बर्थी जी का जी सुनवे बड़े प्रेम से बोलो जी ओम श्री गणपति विघ्नेशाय नमो नमः ओम श्री बाबाजी द्योत सीताय नमो नमः। आज बाबाजी की महा पावन कथा का अष्टी है, आइए सभी बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जी, सभी बड़े प्रेम से बोलो जय। जूनागढ़ के निकट गुरुनार पर्वत के पास काठियावाड़ गुजरात में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण जी रहते थे। प्रभु जी की भक्ति की लगन तथा संतान प्राप्ति के लिए वे हर साल जगन्नाथपुरी जाया करते थे। वहाँ जाकर यज्ञ करते, साधुओं तथा गरीब लोगों की सेवा करते तथा दान पुण्य करते थे। ऐसा करते करते जब काफ़ी समय बीत गया तो एक दिन महाराज जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि कुछ समय बाद ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी।
बोल वरदान पाकर विष्णु शर्मा जी पत्नी सहित खुशी खुशी घर को लौट आए। नारद मुनि जी का आना, प्रभु जी की लीला बड़ी अपरंपार है। नारद जी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जी के दर्शन करने के लिए गए। एक कथा अनुसार शिव भोले जी ने पार्वती जी को नारद जी के आने का मैसेज भेजा। विशेष तौर पर यह बात भी कही, नारद जी हमारे ही डिवोटी हैं, इनकी प्रेम से सेवा करना। कुछ समय ठहरने के बाद नारद जी ने पार्वती जी को भ्रम में डाल दिया। नारद जी ने कहा, माता जी आपके 108 बार जन्म हो चुके हैं, जो उन्होंने अपने गले में रूप माला पहनी हुई है ना, वे सब आपके सिर हैं। क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं? क्या आपने कभी शिव जी महाराज जी से इसके बारे में कथा सुनने की प्रेर नहीं की? उस कथा को सुनकर संसारी जीव जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी ने माता पार्वती जी को कहकर शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी। अमर कथा सुनने के लिए कहना। कुछ समय बीत जाने के बाद माता पार्वती जी ने शिव भोले जी से अमर कथा सुनाने के लिए कंपेल किया, मजबूर किया। तब भोले नाथ जी ने पार्वती जी की जीत को देखते हुए अमर कथा सुनाने का वचन दिया। यह सब सुनकर शिव भोले जी समझ गए कि यह सब शरारत नारद जी की ही है, क्योंकि पार्वती जी ने अमर कथा सुनाने के लिए पहले कभी भी नहीं कहा था। कथा सुनाने के लिए शिव जी पार्वती जी को जम्मू कश्मीर की तरफ ले गए। वहाँ अमरनाथ जी की गुफा में पहुँचे। गुफा में पहुँचकर शिव जी ने भयानक क्लैपिंग की आवाज सुनकर गुफा के अराउंड के सभी एनिमल्स दूर दूर भाग गए। उसी गुफा में एक तोते का एग नेस्ट में पड़ा हुआ था। शिव जी ने अमर कथा सुनानी आरंभ की। शिव जी पार्वती जी से कहने लगे, जब अमर कथा सुनाई जाए आप हूंकार करते रहना। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को स्लीप आ गई, नींद आ गई। जब कथा समाप्त हुई तो क्या देखते हैं कि पार्वती जी तो सोई पड़ी हैं। महादेव जी थिंक करने लगे कि हुंकार कौन करता रहा, हैरान रह गए। जबकि हम 12 मील तक एकांत में बैठे हुए हैं, शिव जी के सोचते सोचते एक पैरट का बच्चा पहले पड़े हुए अंडे से निकलकर जो अमर कथा सुनने के कारण अमर होकर उड़ गया। शिव जी उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। तोता काठियावाड़ में पहुंचकर पंडित विष्णु शर्मा जी के घर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की गोद में बैठ गया। शिव जी भी सामने बैठ गए। देखते देखते तोता गर्भ में समा गया। शिव जी और तोते के सवाल जवाब। भोलेनाथ जी ने तोते को आज दी, बेटा बाहर आ जाओ। तोते ने कहा, बाहर तो मैं आ जाऊंगा, परंतु एक शर्त है, मेरे जन्म के समय जो भी प्राणी पैदा होंगे वे सभी अमर हो जाएंगे। महादेव जी से इस वरदान को स्वीकार करके वापिस अपनी जगह पहुंच गए। बाबा बालकनाथ जी का व्रत जन्म। तोते के साथ भोलेनाथ जी की इस बात के 10 माह बाद लक्ष्मी जी के कोख से बाबा जी का जन्म हुआ। उस समय 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर 64 योगी भी पैदा हुए। भोलेनाथ जी के वरदान से वे सभी सुधारक तथा सनातन धर्म के प्रचारक बने। काफी दूर दूर तक यह बात फैल गई कि विष्णु शर्मा जी के घर एक अवतारी बालक ने जन्म लिया है। पुत्र के जन्म की खुशी में विष्णु शर्मा जी ने यज्ञ किया और बहुत सा धन पुण्य
दान किया, विद्या की प्राप्ति, विद्या प्राप्ति के लिए बालक जी को काशी भेजा गया। उस समय भारत में हिंदी संस्कृत का बहुत प्रचार था। काशी में बाबा जी ने कई वर्ष तक एजुकेशन ग्रहण की। अल्प आयु में ही वेद शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और गुरु जी से आगे लेकर घर आगे विवाह से इनकार करना। बाबा जी के पिता एक फार्मर थे। वे अपने बेटे की प्रभु भक्ति से बड़े चिंतित थे। वे उससे मैरिज करने के लिए जोर डालते, परंतु वे तो भगवान शिव के दर्शनों के प्यासे थे। उन्होंने अपने घर के ऐशो आराम धन दौलत को छोड़कर और मैरिज के बंधनों से मुक्त रहने को कहा। एक रात माता पिता को सोते छोड़कर वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर संसारी कार्य को छोड़कर एक गवाले की गौ में चराने लगे। वहां उनका काम गौओं को चराना और साधु ब्राह्मणों गरीबों की सेवा रक्षा करना था, गुरु धारण करना। कोशिश में बीत जाने के बाद गुरुनार पर्वत जूना खाड़े के महंत श्री दत्तात्रेय जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन गए। उन्होंने इस बालक जी को गौ में चराते देखा। दत्तात्रेय जी इस बालक जी को देखकर बड़े हैरान हुए और रुक गए। उत्तर में एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी आप क्यों रुके? उत्तर में दत्तात्रेय जी ने कहा, यह जो बालक गौएं चरा रहा है ना, यह केवल ग्वाला ही नहीं है, एक सिद्ध पुरुष भी है जिसकी दुनिया वर्शिप करेगी। अपने एक शिष्य को भेजकर बाबा जी को अपने पास बुलाया। वेदों और शास्त्रों को जानने वाले बाबा जी सब कुछ जानते थे। दत्तात्रेय जी के पास चल पड़े। बाबा बालक दत्तात्रेय जी के सामने आकर बोला, महाराज जी मुझे क्यों बुलाया? दत्तात्रेय जी ने उनका सारा हाल पूछा। बाबा जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया। दत्तात्रेय जी कहने लगे, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी बाबा जी को लेकर गुरुनार पर्वत पर अखाड़े में आकर ब्राह्मणों को बुलाकर गुरु शिष्य की रस्म वेद मंत्रों से शुभ दिन और शुभ लगन में पूर्ण की और उस बालक जी का नाम बाबा बालकनाथ जी रखा गया। गरीबों साधुओं महात्मा को मैसेज भेजेगी और महायज्ञ भी किए गए। गुरु आज्ञा का पालन करना। इसी यज्ञ में एक बुढ़िया अपने बच्चे के साथ आ रही थी। रास्ते में एक जंगली राक्षस ने उसके लड़के को शेर बनकर खा लिया। लड़के की मां रोते रोते दत्तात्रेय जी के पास आई। महाराज जी मेरा इकलौता बेटा यज्ञ में आते समय जंगली राक्षस ने खा लिया है। दत्तात्रेय जी सृष्टि में प्रथम श्रेणी के सिद्ध हुए हैं। वे एक जगह बैठकर संपूर्ण सृष्टि को देख सकते थे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उस बुढ़िया के पुत्र को फाइंड करने के लिए आज्ञा दी कि इसे ढूंढ के लाओ। आज्ञा प्राप्त करते ही सभी शिष्य वन में बाबा जी को फाइंड करने के लिए निकल पड़े, परंतु वे सभी खाली ही वापिस आ गए। बाबा जी बालक जी का कहीं भी पता नहीं लगा। तब दत्तात्रेय जी ने अपने नए शिष्य जिनको बाबा जी कहा जाता था बालकनाथ जी को ढूंढने के लिए भेजा। बाबा जी उसे ढूंढते ढूंढते पास ही वन में एक गुफा में पहुंचे और एक साधु को देखते रहे और उस अघोरी महात्मा के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मैं विनती करता हूँ कि तुमने जो उस बुढ़िया का बेटा शेर के रूप में खा लिया है उसे वापिस कर दो, क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा था। बाबा जी भी अंतर्जामी थे, इसलिए यह सभी उन्होंने इशारे से ही कह दिया। अघोरी साधु गुस्से में आ गया और बाबा जी को वापिस जाने के लिए कहा। तुम क्या जानो गोरी क्या चीज है? तुमने गोरी सुने ही होंगे देखे नहीं। दोनों अपनी अपनी पावर्स दिखाने लगे। काफी युद्ध के बाद गोरी साधु मन चारूप धारण कर लेते थे।
बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगने लगे। अपने योग तप से बुढ़िया के पुत्र को जीवित करके बाबा जी को सौंप दिया, जिसे बाबा जी अपने साथ लेकर वापस गुरु जी के पास पहुँचे। दत्तात्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए, माता जी का लड़का उसे वापस कर दिया। इसके पश्चात बाबा जी गुरु सेवा में मगन हो गए। कैलाश पर्वत की महिमा। भारत के उत्तर पूर्व के बीच संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत अपनी यूनिक शान लिए खड़ा है। इसका एक भाग कैलाश पर्वत भी है, जिसकी सतह पर मानसरोवर झील है, जिसमें से सतलुज रिवर निकलती है। कैलाश पर्वत के पास श्रावण के महीने में एक बहुत भारी मेला लगता है। इस प्लेस पर शंकर भगवान जी का एक बड़ा होली टेंपल है, लेकिन यहाँ तक कोई कोई ही पूछता है, किसी भाग्यशाली को ही इनके दर्शन होते हैं। इस पर्वत पर सदा क्लाउड छाए रहते हैं। होली थोर्स वाले पीपल ही कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। शिवजी जी का निवास स्थान नीचे से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग ही हो। मानसरोवर झील में हंस रहते हैं और इस झील पर पर्ल मोती भी मिलते हैं। माता पार्वती जी के दर्शन। प्राचीन कथा अनुसार बाबा जी श्रावण के महीने में कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए। जब वे मानसरोवर झील पर पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की इच्छा की, परंतु वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। अचानक बाबा जी ने एक बुढ़िया को, जिनका नाम धर्मो जी था, उसे पानी पीते देखा। उसके पास पहुंचकर कहा, मुझे कैलाश पर्वत पर पहुंचने का रास्ता बतलाएं, मैंने शिवजी जी के दर्शन करने हैं। धर्मो जी बोले, बेटा कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कोई भी शिवजी जी के दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी बाबा जी ने माता जी से कहा, मुझे कोई ऐसा सल्यूशन बताओ जिससे मैं नाथ जी के दर्शन कर सकूं। मैंने उनके दर्शन करने का प्रण कर रखा है। ब्रह्मचारी बाबा जी को जिद करने से धर्मो जी ने कहा, बेटा शिवजी जी के दर्शन करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। जब सब कुछ सहन करने का वचन देकर ब्रह्मचारी बाबा जी ने माता धर्मो जी से सल्यूशन पूछा। माता धर्मो जी ने बताया कि माता पार्वती जी मानसरोवर झील पर हर रोज स्नान करने के लिए आती हैं। अगर तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओ तो ही शिव जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। ब्रह्मचारी बाबा जी आधी रात के समय माता पार्वती जी के वेट में झील पर पहुंचे और समाधि लगाकर वहां पर ही बैठ गए। जब पार्वती जी झील पर आई और स्नान करने लगी तो ब्रह्मचारी बाबा जी की समाधि खुल गई और पार्वती जी के दर्शन हो गए। ब्रह्मचारी बाबा जी ने पार्वती जी के वस्त्र उठा लिए और शिव पर एक तर्क हो गए। पार्वती जी स्नान के बाद जब झील से बाहर आई तो अपने वस्त्रों को ना देखकर बहुत हैरान हो गई। चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सडनली अचानक पार्वती जी ने देखा कि उनकी साड़ी पास ही पड़ी है, जो ब्रह्मचारी जी ने उनके पास चुपचाप थ्रो कर दी। आवाज दी, माता जी आप फिक्र ना करें, आपके वस्त्र मेरे पास थे, इस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जयकारा गुफा के वासी जी का। हे धोने वाले बाबा जी आप जी सभी बोलो जी।
जयकारा बोला भले बाबा जी का जी, सारे बोलो जी जय श्री जयकार भूमि भले बाबा जी का भले बाबा जी आपकी सदाई बिच
चलाया दर्श दिखा जबायो ते जोगे तेरा नाम है सारे दर बैठे ने तेरे नाली प्यारे है सब दे जबायो ते जोगे तेरा नाम है सारे दर बैठे ने तेरे नाली प्यारे संगता तेरिया दरते आईया संगता पौना हारिया दूधा दारिया संगता तेरिया दरते सुनहरी जटा वाले बाबा जी का बोल सच्चे दरबार की जय जी सारे बोल जी जय जी मेरे आने